एंड आपको थोड़ा सा मेरी थोड़ी बातें थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेंगी आपको. आई ऑलवेज आस्क पीपल दैट बिकॉज आई कम अक्रॉस एवरीबडी सेज दैट सर वी वांट टू बिकम रिच, वी वांट टू डू गुड इन दिस इंडस्ट्री, हमको ये करना है करना है. एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच. कोई ऐसा इंसान है जो रिच नहीं बनना चाहता? एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच, बट हाउ मेनी पीपल एक्सपेक्ट दैट दे विल बिकम रिच? दिस इज द डिफरेंस, राइट? चाहता हर इंसान है, बट मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. कहने का मतलब क्या है? When there is a positive expectations, when there is a positive expectations, that brings positive thoughts. Positive expectations will bring positive thoughts, which will bring positive events, and which ultimately will bring positive results. आपको समझना पड़ेगा, there is a chain reaction. जब भी आप positive expectation रखते हैं, जब आप, मैं कईयों से मिलता हूँ, sir, किसे पूछता हूँ, I don't think so, it's my cup of tea, या मेरी किस्मत ही खराब है. मेरी किस्मत ही खराब है का मतलब ये है कि वो शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मेरी किस्मत कभी अच्छी होगी. मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मैक्सिमम पीपल सेज ओके इट्स नॉट फॉर मी. यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ चेन रिएक्शन. एक्सपेक्टेशन, इफ यू हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन विच विल गेट यू पॉजिटिव थॉट्स. आप जब भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होगी, आपके हमेशा थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे. मेरा चेक 25 लाख का बन जाएगा, 50 लाख का बन जाएगा, ये कर दूंगा, तो यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली, राइट? बिकॉज एक्सपेक्टेशन आर पॉजिटिव, देन इट ब्रिंग्स यू पॉजिटिव इवेंट्स. आप And then ultimately, it brings you positive results. That's the most important thing. So now, again, my question is, positive. बोला सब कुछ जाता है. But my question is, do you expect that this industry can make you rich? मैं अगर आपने आपसे पूछूं, अगर इस महीने I'm hitting a check of almost, अब आपको दिखेगा I'm hitting a good check. But अगर मेरा 50 लाख का check भी आ जाएगा, तो हाँ, I'm expecting that I can reach a check of 50 लाख rupees. But half of the people don't expect. उनको लगता ही नहीं कि वो भी पहुंच सकते हैं. That's the biggest problem. The point is, are you expecting कि आपका भी लाख रुपए का चेक आएगा या 2 लाख का चेक आएगा? चाहिए सबको, but are you expecting? और अगर if you are expecting, तो क्या positive thoughts हैं आपके? अगर आप expect करेंगे, आपके thoughts भी आएंगे, actions भी आएंगे, results भी आएंगे. The point is, there has to be a expectations. The expectation is not there. People don't expect themselves that they will become rich. वो expect नहीं करते. वो दूसरों से expect करते हैं, यार उसका हो जाएगा, मेरा शायद नहीं होगा. So first of all, mindset को थोड़ा change करना पड़ेगा. We need to expect something positive out of our efforts. Then only you will see कि हाँ, वो chain reaction कैसे चलेगा. Right? Guys, मैं आपको एक homework देता हूँ आज. आप आज जब इस meeting के बाद जाएंगे, go to YouTube and search for TEDx में जाके आप एक करेंगे, मैंने आपको शायद अमरीश जी को बताया था, TEDx में जाके आप लगेंगे गोल्डन सर्कल, राइट? YouTube पे जाएंगे, टाइप करेंगे TEDx गोल्डन सर्कल, एंड व्हाट इज इट? यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. दोबारा सुनिए, TEDx YouTube पे जाएंगे, TEDx गोल्डन सर्कल डालेंगे, यू आपको एक वीडियो देखेगा, एंड दैट्स ऑसम कॉन्सेप्ट. उसमें बताया है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ सर्कल. इसमें 3 सर्कल होते हैं, सबसे आउटर सर्कल, फिर उसके इनर सर्कल, सबसे छोटा सा कोर सर्कल होता है. जैसे आप कोर टीम है, वैसे कोर सर्कल होता है. द आउटर मोर सर्कल सेज व्हाट, एंड देन द इनर सर्कल सेज हाउ, एंड द मोस्ट इनर लेयर, मोस्ट इनर सर्कल सेज व्हाई. मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम लीडर्स गोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. मैक्सिमम जो लोग हैं वो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं. मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है व्हाट दे आर डूइंग. मैक्सिमम पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग, यानी आपको पता आप क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी को पता मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. हाउ दे आर डूइंग, हाउ का मतलब आता है व्हाट इज योर यूएसपी. वो कहते हैं कि अगर मैं एक डिजिटल एजेंसी चला रहा हूँ, सामने आप उनसे अलग कैसे हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम में क्यों? आप कहोगे हम, हमारी सर्विस अच्छी है, हम ज्यादा अच्छा पर्सनल सर्विस देंगे आपको, ये देंगे. व्हाट डज इट मीन? हाउ, कि आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, बट वेरी फ्यू पीपल नो व्हाई दे आर डूइंग. व्हाई That's the important question. Why they are doing? And that is the question you need to answer. You need to answer to yourself that why you are doing network marketing. Fine. Maximum मैं लोगों को देखता हूँ कि एक ने दुकान खोली, उसकी दुकान चल गई, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरे को भी ये दुकान खोलनी. वो एक पर्टिकुलर चीज बेच रहा है, वो टीवी बेच रहा है, तो टीवी की दुकान चल गई, तो मेरे को भी टीवी की दुकान. बट होता क्या है, वट अदर पर्सन इज डूइंग आई डू द सेम थिंग, वट ही इज डूइंग आई डू द सेम थिंग, बट मैक्सिमम पीपल डजंट नो व्हाई दे आर डूइंग. तो लोग होता क्या, पहले सोचते हैं कि मैंने क्या करना है, फिर कैसे करना है, और फिर सोचते हैं मैं क्यों कर रहा हूं. नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, व्हाई यू आर डूइंग इट. मैं आपको बताऊं अपने बारे में.
आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम रिच बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू बिकम सक्सेसफुल एट अ वेरी यंग एज. वेरी यंग एज मीन्स मैं चाहता था जैसे आई अर्न माई फर्स्ट करोड़ व्हेन आई वाज 19. मैं 19 सालों में पहला करोड़ रुपए कमा चुका था. मेरे को जल्दी सक्सेसफुल इसलिए भी होना था, मेरे पास वाइब बड़ा क्लियर था. पहली बार मुझे पता था कि मेरे को अपने डैड के बिजनेस में नहीं जाना, इट्स अ स्मॉल बिजनेस एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. एट द सेम टाइम आई न्यू दैट कि आई कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अ जॉब सेक्टर. मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे को अपना एटीट्यूड पता है, बहुत लेट बैक हूँ, रिलैक्स हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैं फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई कैन डू द सेम थिंग, सेम ऑफिस, सेम कलीग्स, गोइंग इन द मॉर्निंग कमिंग बैक एट नाइट. आई डोंट थिंक सो आई कैन लिव द सेम लाइफ. सो आई न्यू दैट कि मेरे को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा. देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. एट द सेम टाइम मुझे एक चीज और पता थी, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल एट अ यंग एज. व्हाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 50 और 60. अगर मैं 50 साल की उम्र में सक्सेसफुल होता हूँ, इट मीन्स माई डैड, माई पेरेंट्स विल बी 75 बाय दैट टाइम. जब मैं 50 साल का होऊंगा और सक्सेसफुल होऊंगा, माय पेरेंट्स विल बी 75-80. मैं चाहता हूं कि मैं 20 साल में हूं, जब मेरे पापा मम्मी 45 साल के हों, सो दैट अगर मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर पा रहा हूं विद द मनी व्हिच आई एम अर्निंग, आई कैन मेक देम एंजॉय द सेम लाइफ. दैट्स व्हाट आई वांट. दैट वाज द मेन व्हाई. देयर इज अ पैसिव इनकम इन्वॉल्वड दैट. बट यस, मैं भी आपको चाहता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं, आई हैव कवर्ड मोर देन 50 कंट्रीज. एट द सेम टाइम माय पेरेंट्स हैव कवर्ड मोर देन 10 कंट्रीज. सो अगेन देयर वाज अ रीजन फॉर मी टू बिकम सक्सेसफुल एंड एट अ वेरी यंग एज. Now my question is, what is stopping you? You have the platform, right? You have a wonderful platform. There is the infrastructure ready. पूरे इंडिया में क्या आप तो बाहर भी जाके आप काम कर सकते हैं. What is stopping you? मैं आपको सिंपली बात बताऊं, आपको एक चीज दिखाता हूं. Just have a look. अगर आप देखेंगे, my last month PVs is like 10,48,000. Can you see that? जो कल हमने क्लोजिंग करी है, माय क्लोजिंग वाज 10,48,000. दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 crore rupees. व्हाट डज इट मीन 3.5 crore rupees? व्हाट डज इट मीन? इट मींस, एंड अप्रैल की बात करूं, अप्रैल में माय पीवीज वर 4 lakhs. आई डिडंट इवन टच 4 lakh, 3,96,000. दैट मींस नॉट इवन वन, इट वाज लाइक 1.1 crore rupees. व्हाट डज इट मीन? अप्रैल, मे एंड जून, July, three months down the line, and I have tripled my business. And the best part of this time was we were in a lockdown. हम lockdown में थे, हमने 3 times उसमें business कर लिया. 4 lakh से almost 12 lakh पहुंच चुके. Can you even imagine? जहाँ पे people are struggling like anything, people are bleeding. उनको लग रहा है business कैसे चलेगा, हम कैसे recover करेंगे, COVID का क्या बात. We have tripled our business. Can you imagine? कैसे? What's the reason? And despite I'm not traveling, मैं कहीं गया नहीं, मैं बिल्कुल घर बैठा हुआ हूँ. And 3 times business हो गया. Isn't it shocking, surprising? कैसे हुआ? We didn't do anything. हमने कुछ नहीं किया. नहीं रहे हैं, कितने कह रहे हैं? The only thing which you're doing, meetings. The only thing which I promote, take consistency. That's the basic of the system. हम कहते हैं you need to follow a system. What is a system? System है क्या? System follow करने very good words actually. Follow the system. But what is system? System, company ka ek bahut bada system hai. System ka ek part hai consistency ka. And you need to follow it. Hum kehte hain you need to follow system, so you need to follow consistency as well. I'm not pinpointing anybody who hasn't taken consistency, but that is your responsibility. Why I'm saying this? You are a brand ambassador of a particular product. You are promoting a company. You belong to a company. You're promoting a company. You are endorsing somebody's product. And the worst part of this is many people who are endorsing the product, they are not using themselves. Virat Kohli says that I will not endorse any product which I don't use, which I don't recommend. Endorsing means recommending. Aap kahin na kahin logon ko bolte hain, aao join karo. Aur products lo, hamare products bahut achhe hain. But are you using it? The first thing that you need to follow, you have to become a 100% user. You need to use the products. आपने सिर्फ जाके खरीदना नहीं है कि सर मैंने खरीद लिया. यू नीड टू यूज द प्रोडक्ट, बिकॉज सम अगर कल आपसे कोई इंसान कोई प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक पूछता है, आप क्या बताएंगे? हाँ मैंने सुना, अच्छा है. नो, यू नीड टू बी स्पेसिफिक. यू आर एन ब्रांड एम्बेसडर, यू आर एंडोर्सिंग. एंड मैंने कहा था ये चीज आपको यहाँ पे आनी चाहिए. यू नीड टू फील दैट यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर, यू नीड टू फील दैट यू आर अ बिजनेसमैन, यू नीड टू हैव दैट से और मैं आई एम अ बिजनेसमैन, यार आई एम अ रिस्पांसिबल बिजनेसमैन, आई हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल. मुझे कुछ एक एग्जांपल सेट करना है. आई हैव टू डू समथिंग वेयर पीपल शुड लुक अप टू मी, लोग देखें और कैसे काम होता है. Getting my point? The most important thing start using the products. Maine sabko bas ek baat boli thi when the lockdown started, that stick to consistency.
The only thing which you need to do to become successful, you need to follow a system. And system says take consistency and hit fast 8. These two things I'm capturing on. मैं पहले दो चीजों को मैं बहुत ध्यान से परख रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ. That जो भी इंसान आता है, he should take consistency. And at the same time, he should get two people with consistency. That is, you are hitting fast 8 within no time. And that's what you want. Consistency, fast 8. That's it. ज़्यादा दिमाग मत लगाइए. Company is number one company. It's the number one company of India. So they're number one company because of a reason. Number one ऐसा नहीं माना जाता. Since they are number one, we need to follow that. Whatever thing they have done to become number one, we need to follow the same thing. They come up with offers, we need to come up with offers. They promote consistency, we will take consistency. Guys, company number one बन चुकी है. Company ने prove कर दिया है कि जो उनका तरीका है बिल्कुल सही है. आज इंडिया जैसे देश में जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी उतना दर्जा नहीं दिया जाता, उसके बाद इतना अच्छा टर्नओवर हर साल अपनी प्रोग्रेस, एवरी ईयर दे आर प्रोग्रेसिंग, एवरी ईयर दे आर बेसिकली आप देखेंगे उनका टर्नओवर हमेशा बढ़ता गया. व्हाट डज इट मीन? पीपल आर कमिंग इन, पीपल आर हैव द ट्रस्ट इन वेस्टीज, द नंबर वन कंपनी, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो गुड. सो कंपनी हैज प्रूवन देमसेल्फ विद अ स्टेबल स्ट्रक्चर, विद अ स्टेबल प्लान एंड विद अ स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. You need to just come and follow it. It's a very important thing, right? मुझे नहीं पता मैंने आपसे बात share करी है नहीं करी है, but आज मैं आपसे share कर लेता हूँ. Share मैंने करी हूँ, मैं अपनी training meeting में करता हूँ. I always give example of a McDonald's. Why I say McDonald's? McDonald's is the number one chain, but वो सबसे अच्छे burgers नहीं बनाती है. They are the number one burger chain, but they don't make the best burgers in this world, right? दोबारा सुनिए. They are the number one chain in this world, burger chain, but they don't make the best burgers. I'm not offending McDonald's, but yes, that's the truth. What does it mean? They don't have the best burgers, but what they do have is a system. They don't have the best burgers, but they do have is a system. And system in which a teenager can come and run a multi-billion dollar company. Again, you need to understand. A system in which a teenager can come and run a particular restaurant, and the same teenager who cannot even clean his room. जो एक टीनेजर अपना रूम साफ नहीं कर सकता, वो एक मैकडॉनल्ड्स को चला पा रहा है. फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में आइए, न्यूयॉर्क जाइए, लंदन जाइए, यू गो एनीवेयर, व्हाटएवर यू विल सी, यू विल सी सम टीनेजर हु इज ऑपरेटिंग, हु इज एट द काउंटर, हु इज टेकिंग योर ऑर्डर्स. टीनेजर जो कि डिग्री नहीं है, कॉलेज मे बी कॉलेज ड्रॉप आउट, इज डूइंग पार्ट टाइम, 18 19 20 साल का जो बच्चा है, जिसको अभी तक दुनियादारी में पता नहीं, जो अपना रूम साफ नहीं कर पाता, बट वो एक बिलियन डॉलर कंपनी चला पा रहा है. व्हाई? बिकॉज़ McDonald's people are so confident that, okay, you don't have a degree, come to us. You don't have to do anything. We'll give you a system. Just get trained. The training is very simple. Press this button, your order is ready. That's it. बस आपने ये करना है. मेरे को कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे एक इंसान चाहिए जो बेसिक कंप्यूटर जानता हो, जिसको पैशन हो काम करने का, जिसको अपने ब्रांड से लॉयल्टी हो. That's it. That's the only thing which we want. McDonald's say that we can open another 1,000 restaurant in a month. Why? Because they know that they have a system in place. Unko kuch nahi karna, unko bas system har jagah lagana hai and things will get ready. Similarly, they become number one not because of the burgers, because of the system. All the fast food chains have become so they expand so fast just because of the system they have. Simple menus hote hain, simple training hoti hai, so people can adapt easily. There's no degree required, a normal person. Similarly, network marketing, there's no degree required. Once you turn 18, you can become a part of network marketing. A housewife can join, a retired uncle can join, a job person can join, a student can join. I joined when I was a student. So what does it mean, right? It is for everyone. So the system has to be simple. System has to be simple. If the system is not simple, then it becomes a problem for us. Because koi yahan mein bata, ek housewife bhi join karegi, ek 60 years ka uncle bhi join karenge, ek student bhi join karega, ek college wala bhi join karega. Everybody will join. So the system should be simple. So that it should be duplicable for all. Har insaan jaldi samajh jaye, jaldi training le paye aur jaldi aage kaam kar paye. Exponential growth tabhi ho pati hai jab ek system hota hai, us system simple hota hai, jo sabko jaldi samajh aata hai aur wo jaldi se kaam pe lag jata hai. Similarly, you need to design a system. Maine sabse pehle yahi bolna shuru kiya tha ki now things have changed. After COVID, things have changed and we need to adapt. And the way my teams have adapted, they are doing very good. Jinhone adaptation achieve kari, jinhone online mediums ko achhi tarah accept kiya, they are doing very good job. But the people, मेरे को भी starting में लगा था कि okay, we have a tendency of getting into offline. हमने सारा हमेशा काम offline mode से किया हुआ. We have never taken online very seriously. हमने कभी online meeting नहीं करी. But off lately, we have adapted towards online platforms and we have done an amazing job.
वी आर गेटिंग, हम ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से, ज्यादा लोगों से मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सेमिनार्स, एंड दैट्स व्हाट यू वांटेड. सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आपके सामने है सब कुछ. यू कैन आइदर मेक इट अ ब्रेक इट, द चॉइस इज योर्स. मैं आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, चॉइस इज ऑलवेज योर्स. आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू डिसाइड, फॉलो अ सिस्टम. Just two steps you need to follow, and I think you can do wonders. First thing, take consistency. First day of the month, take consistency. Hit it hard, take consistency. Become a leader. Follow up an exam. Basically, you have to show people that, okay, what you're doing. Don't expect. मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, they don't take consistency, but they promote consistency. आपने ले ली, आपने ले ली, आपने ले ली. That's not the way to do it. You have to take the first step. You need to take the first step that, okay, I'm taking consistency. Take a consistency. Take your photograph, put it in a group, ask people, okay, I've done it, now what about you? Do it. Push people, right? You need to become a leader. You need to show that, okay, you lead by an example. Take a first step. Kariye, and then get two people with 100 PV and hit fast hit. That's what I wanted. Fast hit ka kitna percentage hota hai? How can we, how many PVs you want to become fast hit? 282, right? So that means 300 PVs can easily get you to a fast rate. So fine, you take consistency, get two people with consistency, game is done. And after doing this, right, once you have done this, you have to make people under you also reach fast rate, and everybody who is doing fast rate, you will become director very soon. Now, at the same time, now if you want to become very, if you want to expand your business at a very rapid speed, so the one thing you really need to understand and really need to promote is everybody should take a target for himself or herself. Everybody should take a target that mujhe mahine mein ek air purifier or water purifier bechna hai. You have 30 days in a month, right? You can meet people. You can meet plenty of people in 30 days. You can tell them about the, you can explain the product. You can get training from the company. And I think you can easily hit it. One product, right? One air purifier, and you will see the difference. You will see the difference. Right, four things which I'm promoting in my other legs, right? Same, similarly, I'm trying to tell you. First is consistency. Second is fast rate. Third is at least one air purifier, one water purifier, right? Either one, right? Go and sell. I'm not asking you to purchase it. Do retailing. Meet people. I sold 6 air purifier last month. 6 maine beche the, right? Kaise beche? Only by meeting people. Hospital gaya and I sold 6 air purifiers. Right, deal was done. You can go to clinics. You can go to. It's not supposed to be like this. COVID is happening. Everyone is saying that there has to be clean air because anybody sneezes, it is in the air for the next 8 hours. Now, tell me what is the importance of air purifier? Because air purifier is not there, then many people are losing their clients as well. So, now you have to understand that the need of the hour is wellness, and you need to promote wellness. You have all the products to promote wellness, guys. And the fourth point which I promote is agriculture. Agriculture can really make you really big if you take it seriously. Agriculture has, देखिए हमारी 80% 70% population हमारी आज भी गांव में रहती है. We are a land of farmers, right? So many farmers, and you need to understand. मैंने आपको बताया ना, company number one पहुंची है because of a reason, because of the thought process, because they know what they are doing. उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, right? That's what I'm trying to tell you. Company came up with agriculture product in 2006. Now go back in 2006. 2006 में जाइए. अपने आप से पूछे, आधे लोग तो मुझे पता है स्कूल में होंगे या बहुत छोटे होंगे उस टाइम पे, और आप बताइए 2006 में ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, इनफैक्ट आज भी बहुत कम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ आती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पूरी एक डीप थॉट प्रोसेस कंपनी के अंदर चल रहा है. मैनेजमेंट इज थिंकिंग डे इन एंड डे आउट कि व्हाट नेक्स्ट, नया प्रोडक्ट क्या लेके आए. 2006 में जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतने अच्छे नहीं चले, दे केम अप विद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. एंड एग्रीकल्चर कौन लेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, one of the major contribution to the turnover comes from an agriculture product. And main aapko bata raha hun ki mere yahan pe kuch aise log hain jo ek ek invoice mein 3-3 lakh ki billing karte hain. They get 3-3 lakh business done in one invoice. Can you imagine? 3 lakh rupees invoice. That's what I want. Just imagine you're going for a meeting and aapne wahan pe unko plan dikhaya, and automatically they because aap ghar ke liye samaan lenge, you will buy it for 3,000 to 4,000 rupees, but when it's a farmland, so when it's a farmland, so people can buy stuff for 3-3 lakh rupees. I've seen people ek ek invoice pe 3-3 4-4 lakh ki billing hoti hai, right?
So it's amazing. It's amazing. And now what I'm trying to tell you that hit it hard. The choice is yours. The life is yours. You need to really work hard. देखिए मैं I'll share a story with you. मैं आपको एक story बताता हूँ, शायद आप थोड़ा relate कर पाएंगे. अब आपको अपना potential जानना है, आपको पता करना है कि आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं. पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि maximum people operate like an internet browser, right? Maximum people operate like a life operates like an internet browser. What I'm trying to tell you, just आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. Maximum people, अब एक search, एक research हुआ है, एक survey हुआ है. People who use Chrome and Firefox are much better employees, right? वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी customer retention करते हैं, customer से ज़्यादा खुश रहते हैं, वो job पे ज़्यादा जाते हैं, काम पे ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनको काम करना अच्छा लगता है, and people उनको appreciate भी करते हैं, उनको ज़्यादा bonus मिलते हैं, people and as compared to people who use Internet Explorer and Safari, what does it mean? दोबारा सुनिए. पीपल हु यूज क्रोम एंड फायरफॉक्स, ये एक रिसर्च हुआ है, जो क्रोम और फायरफॉक्स यूज करते हैं वो ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज हैं, ज्यादा अच्छा कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर से खुश रहते हैं, वो छुट्टियां कम लेते हैं ऑफिस से, ऑफिस ज्यादा जाते हैं, काम अच्छा करते हैं, अच्छा बोनस मिलता है उनको, एज कम्पेयर टू पीपल हु यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी. इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी जो है, दे आर डिफॉल्ट ब्राउजर्स Which comes with, अगर आप अपने लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल कराएंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा, और अगर आप मैक लेंगे तो आपके पास सफारी आएगा. दैट डिफॉल्ट ब्राउजर्स, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगा ही आएगा. बट अगर आपको क्रोम और फायरफॉक्स चाहिए तो आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको एक स्टेप अहेड लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसोर्सफुल होना पड़ेगा, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा कि what is better for you. That's what I'm trying to tell you. Maximum people don't take initiative in life. जो default settings उनके अंदर हैं वो उसी के साथ चलते रहते हैं. Maximum people doesn't do anything. They are मेरी life में जो भी है, I'll just follow that, right? Default settings. You need to take an initiative. आपको एक step आगे बढ़ाना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. You have to take initiative if you want to become big. Don't work like an Internet Explorer and Safari. Become like a Firefox. Why? Take initiative, एक resourceful बनिए, आगे बढ़िए, तभी आपको समझ आएगा काम कैसे होगा, right? So can we take more initiatives now? Yes, sir. 100%. Right? I'll share a story with you, right? Try to understand who you are. Try to understand what's your potential, right? एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो थोड़ा आलसी होता है और वो सारा दिन घर बैठा रहता है, एक दिन घर से बाहर निकलता है और चलते चलते एक आम के बगीचे पे चला जाता है. आम के बगीचे पे जाता है, उसको बड़े सारे मैंगो ट्रीज दिखते हैं, जूसी मैंगोज होते हैं उसमें, बड़ा खुश हो जाता है. वो एक मैंगो ट्री पे चढ़ जाता है, वहीं पर उसका मालिक आ जाता है और वो भाग जाता है वहां से. भागते 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 इतना दूर चला जाता है, एक जंगल में चला जाता है, घने जंगल में चला जाता है. घने जंगल में जाता है तो वहां पे उसको लोमड़ी दिखती है, फॉक्स दिखती है. फॉक्स जिसकी एक टांग नहीं होती, राइट, हैंडीकैप होती है, एंड द फॉक्स इज लिंपिंग, राइट. वो लिंप, जो लोमड़ी होती है, लिंप कर रही होती है. तो वो कहता है कि यार ये लोमड़ी यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगी, इतने घने जंगल में इतने यहाँ पे जानवर होंगे, इसको तो कोई भी खा जाएगा, कैन बिकम विक्टिम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल. तो उस पेड़ पे चढ़ जाता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए ये कैसे सर्वाइव करती है, खाना कैसे लेके आती है. वहीं पर ये एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और शेर आता है बिल्कुल लोमड़ी के सामने. तो उसको, आदमी को लगता है कि आज ये शेर लोमड़ी को खा जाएगा, आज ये फॉक्स खा जाएगा. तो होता क्या कि वो वहां पे बैठा होता है, एंड देन वो देखता है कि शेर जब आता है, शेर के मुंह पे एक मांस का पीस भी होता है. वो लोमड़ी के पास आता है और लोमड़ी को घूर होता है, शेर लोमड़ी को घूम रहा होता है. वो क्या करता है, अपना मांस का पीस लोमड़ी के आगे गिरा देता है, लोमड़ी खाती है और शेर वहां से उसके पास चला जाता है. तो आदमी बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ा शॉक होता है, बड़ा खुश होता है कि नेचर कितनी अच्छी, भगवान ने नेचर कितना अच्छा बनाया है कि एक कमजोर इंसान के लिए भी, कमजोर जानवर के लिए भी एक जानवर आ रहा है और उसके लिए खाना भी, उसके लिए कहीं ना कहीं से उसको खाना मिल रहा है, कहीं ना कहीं से वो सर्वाइव कर पा रहा है, कोई ना कोई उसका साथी बन पा रहा है, कोई ना कोई उसका जरिया बन पा रहा है खाने बनने. तो उसको लगता है लाइफ तो बड़ी सिंपल है, भगवान ने तो बड़ा अच्छा नेचर बना रखा है, कहीं ना कहीं से खाना मिल जाएगा. तो क्या होता है, वो भी कहता है मैं भी ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ. वो घर चला जाता है, घर जाके लेटा रहता है, सोता रहता है. वो एक्सपेक्ट करता है कोई ना कोई आएगा, जब एक जानवर को जानवर आके खाना दे सकता है तो मैं तो इंसान हूं, मुझे तो कोई ना कोई आके दे देगा. दो दिन हो जाते कोई नहीं आता, एंड देन वो बहुत उसकी तबियत खराब हो जाती है, वो बाहर जाता है, वो एक साधु दिखता है उसको, साधु से बात करता है, उसको पूरी वो स्टोरी नरेट करता है कि मैंने तो ये सोचा था, एक शेर जब लोमड़ी को दे सकता है तो एक आदमी आदमी को नहीं दे सकता.
तो साधु ने बोला जो तुमने स्टोरी देखी है, जो तू देख के आया, बिल्कुल सही है, राइट। उस आदमी ने बोला फिर इसका मतलब तो यह भगवान बड़ा पार्शियल है, जानवरों के लिए उन्होंने इतना कुछ बनाया, आदमी के लिए कुछ आदमी साथ नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख, भगवान ने सबके लिए एक सिचुएशन बनाई है, एक साइकिल बनाई है, कहीं ना कहीं से खाना मिल जाता है, बट वो तेरे पे छोड़ देते हैं कि तू शेर बनना चाहता है कि तू लोमड़ी बनना चाहता है, राइट। वेदर यू वांट टू बिकम अ लायन और यू वांट टू बिकम अ फॉक्स, कि तू खाना बनाना चाहता है, लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है, और यू वांट टू वेट एंड वॉच कि मेरे को कोई ना कोई खाना दे देगा। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट, अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, वेदर यू वांट टू बिकम अ फॉक्स और लायन, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको लायन बनना है कि फॉक्स बनना है, राइट। आपको वेट करना है कि कोई आ जाए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, कोई कुछ आए मेरे को खाना मिल जाए, नहीं, या आपको लायन बनना है, आई विल डू इट, दैट्स माय लाइफ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू चेंज माय लाइफ, अगेन द सेम थिंग, द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स, आपको क्या बनना है। अगर आप इसका आंसर दे पाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं आपको छोरी बताने की कोशिश करता हूँ, यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, छोरी कॉल्ड, एक छोरी है, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, इट्स अ छोरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। होता क्या है कि there are two sides of a cause and side, a cause and effect situation, right? A cause and effect situation है, उसके दो sides होते हैं, cause side और effect side. Again, दोबारा सुनिए, cause and effect. Whenever there is a cause, there is an effect. जब भी एक cause होगा, उसका effect होगा. It you can also related to action reaction. Whenever there is an action, there is an opposite and equal reaction. Similarly, wherever there is a cause, there is an effect. इसका मतलब क्या है, कुछ लोग हैं जो कॉज साइड से काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो अफेक्ट साइड से काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, 90% पॉपुलेशन इस दुनिया की डिफॉल्ट सेटिंग जो उनकी होती है वो अफेक्ट साइड से ही काम करते हैं। देयर वेरी फ्यू पीपल हु वर्क फ्रॉम द कॉज साइड। अभी कौन सी साइड्स हैं, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कॉज, व्हाट डू यू मीन कॉज साइड एंड व्हाट डू यू मीन अफेक्ट साइड। अब कॉज साइड सुनिए, अब मेरी कुछ स्टेटमेंट सुनिएगा, राइट। आई नो व्हाट एम आई डूइंग, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मैं कर लूंगा, जो करना जो होगा मैं देख लूंगा। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ आएगा, दिस स्टेटमेंट मींस पावर, यू आर एम्पावर्ड, यू हैव द पावर ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, यू आर नॉट लिस्टनिंग टू एनीबडी, राइट, यू हैव द पावर ऑफ, यू आर एम्पावर्ड, यू आर मोटिवेटेड कि मैं, मेरे को पता मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। आपको कई बार कई लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग मना भी किया होगा, बट देन यू आर लाइक, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट डज इट मीन, यू हैव द पावर, यू आर एम्पावर्ड। But at the same time, अब effect side सुनिए, effect side की statement, I didn't do it, मैंने नहीं किया, उसने मुझे बोला, hello, हाँ sir सुने यार, right, so effect side people, I didn't do it, he made me do it, he told me to do it, मैंने नहीं किया, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। Can you hear these statements? These statements says blaming, yeah, and blaming se bhi zyada, you are finding a reason to cover your failures or to cover something which you couldn't achieve. What does it mean? Can you see the less empowered? This guy was so empowered. Ab aap apne aap se puchiye, kai baar jab aap network marketing shuru kar rahe the, aapke parents ne bhi shayad mana kiya hoga, you are empowered, main karunga, aapne kisi ki nahi suni. What does it mean? You were empowered. I can do it. And you did it. That time you were on a cause side. Aap cause side pe the. Right? Aur uske baad kabhi life mein kuch galat hota hai, kuch nahi ho pata. So then people come to the effect side. They start blaming others. Meko support nahi mila, meko ye nahi mila. Guys, the first rule of entrepreneurship, the first rule of network marketing is you have to work from a cause side. Why am I saying this? Because the people who work from the effect side, they don't have goals. They don't have goals. And if they have goals, they'd never achieve it. Dubara suniye. The people who operate from an effect side, they don't have goals. And if they have goals, they don't achieve it. If you want to set goals, without goals, you cannot go ahead in life. Agar aapke paas goals nahi honge, aap hamesha confused rahenge. If you want to achieve goals, if you want to be, take responsibility. Come on the cost side. You cannot be on the effect side. Because effect side se aap jab bhi rahenge, so you will be dependent on the external factors. Kisi ka aapko support chahiye hoga, external factors ho gaye, aap kabhi bhi life mein aage nahi ja payenge. So come on the cost side, take responsibility, start taking responsibility. Even if you fail in life, take responsibility. Maine kiya, meri wajah se hua. Take responsibility, that's okay. People fail in life and that's absolutely okay. Right? People sometimes wear a badge of failure. Ki maine kara. Take responsibility, that's the most important thing. Taking responsibility.
एक बुक है 7 Habits बाय स्टीवन कोवे, उसको पढ़िएगा। उसने बड़ी अच्छी तरह डिफाइन किया है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, हाउ यू, आपके अंदर क्या एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की। बिकॉज देर विल बी सर्कमस्टेंसेस, देर विल बी सिचुएशन, देर विल बी सम टफ सर्कमस्टेंसेस, टफ सिचुएशन आएंगे लाइफ में, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी। राइट, जस्ट वन क्वेश्चन, हु इज ड्राइविंग योर बस? Are you driving your bus or somebody else is driving your bus? Again, who is driving your bus? क्या आप responsibility ले रहे हैं? क्या आप अपनी bus खुद drive कर रहे हैं? Because the steering should be in your hand. That's a very important thing. Because if somebody else is driving your bus, it's very difficult to reach to your targets. You cannot achieve your goals in life. You won't have any goals. So, effect side and cost side. You need to come on the cost side if you want to do something big in life. Stop blaming others. Life में एक बात ध्यान रख लीजिएगा। आज आप जिंदगी में जहां पे भी हैं, चाहे आपका 10,000 का चेक बनता है, 50,000 का बनता है, 5 करोड़ का बनता है, लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, आज आप जिंदगी में कहीं भी हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो जो डिसीजन आपने जिंदगी में लिए हैं, आज आप उसकी वजह से हैं। जब आपने ज्वाइन किया था, दैट वॉज योर डिसीजन, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। आपने मीटिंग्स ली, दैट वॉज योर डिसीजन। आपने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, एक्स वाई जेड किया, योर डिसीजन। आपका आगे जॉब नहीं लगी, दैट इज नोबडीज फॉल्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छी जॉब लगी, योर क्रेडिट। Guys, start taking responsibility. That's the most important thing. If you want to become a leader, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात? क्योंकि maximum लोग क्या होते हैं कि लोग blame करते रहते हैं। उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। They don't take responsibility. जब आप responsibility नहीं लेते, तो आप negative होना शुरू हो जाते हैं। और आप क्या करते हैं? Blame में इतना, अरे उसने मेरे साथ ये भी किया था, उसने तो मेरे साथ ये भी किया। आप उसमें और घुसते रहते हैं। Rather than take responsibility, I did it यार, मैंने करा। So what? I have to change. मैं आगे बढ़ता हूँ ना? That's it. That's the attitude. And once you have this kind of attitude, you will be bursting with power. You will be bursting with motivation. You will say, I can do it. The most important thing, start taking responsibility. And once you start blaming people, I'm telling you, we will go in that. He said, he did this, he did this, he did this, he did this. And you would like to discuss. You won't discuss your failures. You will discuss other people. You would like to blame others for your failures, which is not right. At the end of the day, you need to understand, चाहे उसकी वजह से या किसी की वजह से, एट द एंड ऑफ द डे आप अचीव नहीं कर पाए अपने गोल्स। दैट्स द एंड रिजल्ट। पॉइंट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स वर्क ऑन इट एंड आगे बढ़ते हैं ना। व्हाई टू ब्लेम अदर्स? देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग एनीबॉडी बिकॉज इट वोंट गेट यू एनीवेयर। बी ऑन द ट्रैक, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, दैट्स द वेल डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन, responsibility is ability to respond. How you respond according to ability, that will define your life. That will define your life. Cause and effect, come on the cause side. Kyunki mujhe pata hai 90% log karte hai effect side. Unki default setting effect side hoti hai. Don't do it. Come on the cause side. Take responsibility. Failure bhi milega, koi baat nahi. But jab agar aapne apne accept kar liya ki okay meri waise hai, to aap ispe zyada discussion nahi karenge. Aap aage badhne ke liye ready rahenge. नहीं तो मुझे पता है वो ब्लेम गेम आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। यू कीप ऑन डिस्कसिंग एंड यू गो नोवेयर। राइट, द फोर थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू, कंसिस्टेंसी, फास्ट इट, कंसिस्टेंसी, फास्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक कंसिस्टेंसी, टेक फास्ट, डू फास्ट इट, दैट्स इट। देन आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग इट, वन टारगेट लाइक वन एयर प्यूरिफायर, वन प्यूरिफायर अ मंथ। राइट, सेकेंड इज फोकस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। If you can do all this, I'm telling you, you can do wonders. You can do wonders. Maybe side teams are doing this and they're doing an amazing job. Because we have a vast range of products. Whenever we meet people, we hum acha kar lete and things really happen in a nice way. Right? Understanding my point? Yes, sir. Right? So guys, things are very many. Comfort zone ke baare mein sare baat karte hain. Comfort zone ke baare mein aapko kuch batana chahunga. People get to the comfort zone very easily. Ek baat याद रखिएगा जिंदगी में, दैट इफ योर लाइफ इज नॉट चैलेंजिंग यू, इफ योर लाइफ इज नॉट चैलेंजिंग यू, इफ देयर इज नो ट्रबल्स इन योर लाइफ, सो आई थिंक यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट मूविंग अहेड इन लाइफ। राइट, इफ आई वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, आई हैव टू फेस सम न्यू चैलेंजेस, क्योंकि जहां मैं पहुंच चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, अगर मुझे इससे आगे जाना है, आई हैव टू फेस सम न्यू चैलेंजेस, एंड दैट विल डिफाइन कि मेरी आगे की सक्सेस क्या है। Whatever success, jitni success mein ko mili thi, mil gaya. But now, if I want to move ahead in life, I have to face few more challenges. And if you're not facing challenges, that means, I think you're not on the right track. Or maybe you are satisfied, you're content, you're in your comfort zone. Aap shayad aur kuch karna nahi chahte, aap shayad relaxed hai. Right?
मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ दोबारा, आई थिंक बोर तो नहीं हो रहा स्टोरी से मेरी? सर पहली मेरी सर पहली बार सुनने को मिल रहा है सर, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर। अच्छा ओके, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, देयर आर ग्रुप ऑफ ईगल्स, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ईगल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। एक बार वो उड़ रहे होते हैं एंड देन सडनली दे सी अ आइलैंड, अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर। वो मिडल ऑफ द रिवर में एक आइलैंड देखते हैं, दे गेट वेरी एक्साइटेड, वहां पे लैंड करते हैं और वहाँ बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं है, मिडल ऑफ द रिवर है, पानी आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे दिख रहे हैं उनको फ्रॉग्स हैं, स्मॉल फिशेस हैं, वो ईगल्स हैं, वो कह रहे हैं हम तो इजीली इनको हंट कर लेंगे, हमारे लिए खाना की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन इजीली गेट फूड एनी टाइम, वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम, फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट आइलैंड इज यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, तो हमको कोई परेशान नहीं करे। तो ऑल द ईगल्स डिसाइड कि हम अब यहीं रहेंगे, हम अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आई थिंक दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल लाइफ एंड वी वांट टू लिव हियर। तो सारे वहां पे रहने लग जाते हैं, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, सबको मजा आ रहा होता है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, जब खाना चाहे खा लिया, पानी मिलना है तो कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, कोई उनको परेशान नहीं कर रहा, तो सब खुश होते हैं। वहां पे एक ओल्ड ईगल होता है, उसी ग्रुप ऑफ ईगल में एक ओल्ड ईगल होता है जिसने जिंदगी के बारे में थोड़ा देखा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि ये बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गए, बड़े कंफर्ट है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर भगवान ना करे कल लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है, जब कोई ट्रबल आता है तो ये फेस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने जिंदगी में चैलेंजेस देखे नहीं है, ये लाइफ बड़ी सिंपल जी रहे हैं, बड़े आसानी से जी रहे हैं, लाइफ ऐसी नहीं होती, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, तो बड़ा घबरा जाता है। वो एक बार सारे ईगल्स को बुलाता है, वो कहता है कि आई थिंक वी शुड गो बैक टू फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है ये ड्रीम लाइफ है, ऐसी लाइफ नहीं होती है, अगर कोई भी कोई ट्रबल आ जाएगा, अगर कोई चैलेंज आएगा तो हम फेस भी नहीं कर पाएंगे, हमने कभी यहाँ पे कोई चैलेंज दिख भी नहीं रहा, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। तो सारे ईगल्स कहते हैं अरे बूढ़ा ईगल है, पागल हो गया, हमको तो नहीं है, हमारे को तो ये जिंदगी चाहिए, वी वांट टू लिव लाइफ लाइक दिस एंड वी डोंट वांट टू गो एनीवेयर। देन एवरीबॉडी डिसाइड्स दैट वी विल नॉट गो। बूढ़ा ईगल कहता है आई विल गो। बूढ़ा ईगल दोबारा बोलता है यू नीड टू पे अटेंशन, ध्यान से सुनो, आप उड़ना भी भूल गए हो, यू पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ टू फ्लाई, आप उड़ना भी भूल गए हो, बट कोई उसको नहीं देखता। देन द ओल्ड ईगल डिसाइड्स दैट ही विल गो बैक टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट चला जाता है, बाकी सारे ईगल्स नहीं है। एक महीने बाद वो ईगल आता है देखने के लिए कि देखता हूं मैं क्या चल रहा है। And then when he sees it, वो देखता है कि सारी के सारी डेड बॉडीज उसको दिख रही होती हैं, सारे लोग वाउंडेड हैं, किसी का खून निकल रहा है, कुछ है, तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो आगे पूछता है क्या हो गया, मैं गया था तो बड़ा अलग सर्कमस्टांस था। वो कहता है कि जब आप गए थे तो सीन वॉज वेरी डिफरेंट, एवरीथिंग वॉज वेरी नॉर्मल फॉर द नेक्स्ट 5-6 डेज, बहुत अच्छा था, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। देन सडनली यहाँ पे एक शिप आया, यहाँ पे एक शिप आया और शिप के साथ वो शिप दो लेपर्ड्स को यहाँ पे छोड़ गया, चीता को, दो लेपर्स को यहाँ पे छोड़ गया, और लेपर्स ने हमको कुछ नहीं कहा, पहले 5-6 दिन कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमको ऑब्जर्व किया, उनको देख रहे थे और उन्होंने हमको देखा, हम कुछ करते ही नहीं है, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, ना उड़ते हैं, बस बैठे रहते हैं। तो जब लेपर्स ने देखा दे डोंट फ्लाई, दे डोंट गो एनीवेयर, तो देन दे अटैक्ड अस, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, तब उन्होंने अटैक किया हमारे को, और जब उन्होंने अटैक किया तब हमने रियलाइज किया हम उड़ना भूल गए, वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू फ्लाई, हमसे उड़ा ही नहीं जा रहा, हमारे पंख में जंग लग चुका है। और देन दे रियलाइज कि जो हमारे क्लॉज हैं, जो हमारे नेल्स हैं, जो इतने ज्यादा शार्प होते हैं, वो उनमें भी जंग लगे, हम उनको अटैक भी नहीं कर पा रहे, हम डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, हम अटैक भी नहीं कर पा रहे और डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट हैविंग सच क्योंकि नेल्स होते हैं उतने ज्यादा शार्प होते हैं। तो कह रहे हैं जितनी भी आप डेड बॉडीज देख रहे हैं, जितने भी आप लोग वुंडेड देख रहे हैं, सारा उसी का नतीजा है जो आपने बोला था कि हाँ अगर कोई चैलेंज आएगा तो हम शायद फेस नहीं कर पाएंगे, तो हम फेस नहीं कर पाए, और ये सारा, एंड वी आर रियली वी रियली रिग्रेट कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, एंड इफ यू आर नॉट फेसिंग चैलेंजेस यू आर नॉट मूविंग अहेड, पीपल लाइक टू बी इन देयर कंफर्ट जोन एंड दैट्स द प्रॉब्लम इज स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जहां पे लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाए तो दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, आप कहीं ना कहीं उससे कंटेंट है, यू आर रिलैक्स्ड in what you, whatever you're getting, which is not right. Comfort zone means life is going okay. You are relaxed. मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, who are doing jobs, who are into business. मैं उनसे पूछता हूँ यार जिम चलेगा? नहीं नहीं यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता. Okay. Network marketing करेगा? नहीं यार अब तो इस point क्या है? They have a specific routine and they don't want to change the routine. उनको लगता है routine से उनकी life ऐसी ऐसी. That's the problem. If you want to do something extra, you need to take out time. You need to get out of that comfort zone. Similarly, what I'm trying to tell you, aap sab ke liye apne comfort zone se nikalna important hai. Aur agar aapko lag raha hai ki aapki life mein challenges nahi aa rahe,
So I am giving a signal, you are not moving ahead in life. And that's a very challenging situation. Right, guys? Ji sir. Get out of your comfort zone. That is very important. And yahi cheeze aapko samajh mein aayengi dheere dheere. Hello? Ji sir. Right. So मैंने आप स्टार्टिंग में एक बात बताई थी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से. आप एक ना और करिएगा यूट्यूब पे जाके ना मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर एक उसकी स्पीच है. उसकी स्पीच को जरूर सुनिएगा. He was not even 21. He was not even 21 and he was not a heavyweight boxing champion that time. But he declared himself as the greatest boxer of all time. That kind of a positive expectation he was carrying. That was the kind of confidence he was carrying. Right? मैं नहीं कह रहा कि आप सारे आज आके बोलिए कि I'm the best. But start thinking that way. Have some positive expectations. Positive expectations will give you positive thoughts, which will give you positive action, and which will give you positive reactions, positive results. That's very important. आप खुद सोचिए जब आपको लगता था कि आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट करते थे तो आप पढ़ते भी अच्छे थे, आपको सब कुछ अच्छा भी होता था. बट जहां पे चीजें कोई भी डाउटफुल होती है तो यू लूज द ट्रैक. Time has come that okay, now the time we need to hit it hard. We really need to make it big. Network marketing, we opted for network marketing not to settle for something small. We were here to do something big, something which we told ourselves that we'll retire at an early age, which we told that we'll have some good time to enjoy our life, not have 9-to-5 job for the next 40 years of our life, right? Hamare paas time hai zindagi enjoy karne ka, zindagi jeene ka. So we had everything in our, but we have lost something. Guys, get serious, get on track. Things can really change in a very little span of time. अब आप शुरू हो जाइए. मैंने आपको जो चार पॉइंट्स बोले हैं सिर्फ स्टिक टू दैट. आज फर्स्ट है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है. हिट योर कंसिस्टेंसी, गेट टू पीपल, हिट देयर कंसिस्टेंसी, रीच फास्ट एट, देन आस्क देम टू रीच फास्ट एट एंड यू विल सी द डिफरेंस. आपको डिफरेंस दिखेगा. ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिस्टम है. सिस्टम को बस फॉलो करते रहिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, थिंग्स विल चेंज. राइट, एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा एंड देन आई विल वाइंड अप. आपने कहावत सुनी होगी, वॉट एवर वी सोर वी रीप. राइट, जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं. राइट, अगर हम आलू को बोएंगे तो आलू आएंगे. राइट, वॉट एवर वी सोर वी रीप. सो द पॉइंट इज, इसकी कहावत मैं क्यों बता रहा हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ माइंड. वॉट एवर वी सोर वी रीप. सिमिलरली वी नीड टू प्लांट द सीड्स ऑफ सक्सेस इन आवर माइंड. We need to plant seeds of success in our mind. We cannot plant the seeds of failure in our mind and can expect success. वो कहते हैं कि a person doesn't meet success or failure. A person doesn't meet success or failure. He carries the seeds of success and failure in his personality and character. He's carrying the seeds in his mind. That's important. And whatever you sow, you reap. मैं आपको थोड़ा और सरल example देने की बता रहा हूँ. आपने कई बार देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है जो 9-10 महीने का होता है, 1 साल का होता है, तो वो चलने की कोशिश करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है. एंड एज अ पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको चलाएं. वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू पुट सीड्स ऑफ इनकरेजमेंट इन द चाइल्ड्स माइंड. अगेन, दे ट्राई टू पुट सीड्स ऑफ इनकरेजमेंट इन द चाइल्ड्स माइंड. वो ऐसे रिएक्शन भी देते हैं, वो बार बार मोटिवेट करते हैं. यस, यू कैन डू इट. वन मोर स्टेप. एक और स्टेप लो. ओ, यू हैव डन इट. डिड यू सी जस्ट मेड इट. राइट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू पुट सीड्स ऑफ एनकरेजमेंट इन योर चाइल्ड्स माइंड. एंड इवेंचुअली इट टेक्स द फर्स्ट स्टेप. वो कई बार गिरता है बट वो फाइनली एक स्टेप लेता है. एंड देन यू आर द प्राउडेस्ट पेरेंट्स ऑन द अर्थ. आप उसका वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, बट व्हाट डज इट मीन. आपने यू कैन, आप ऐसे नहीं करते यार इसको 2 मिनट चलाने की कोशिश करो चल ही नहीं रहा है. यू कैन नॉट डू दैट. You cannot do that. You need to plant seeds of positivity, encouragement in your child's mind. Right? ऐसे ही हम भी कई बार गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं, but then we take our first step, then we get our first joining. But the point is, you need to plant seeds of success in your mind, positive in your success. And network marketing beautiful part क्या है कि आपको यहाँ पे सिर्फ seeds positivity की अपने mind में नहीं डालनी, अपनी downline के mind में भी डालनी. And if you keep doing it, that's the only thing you do.
आपको सिर्फ ये करना, यू नीड टू प्लांट सीड्स ऑफ सक्सेस इन योर माइंड एंड इन योर डाउनवर्ड माइंड. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू. इफ यू कीप ऑन प्लांटिंग सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी टुडे और टुमारो, अगर सीड बोएंगे पेड़ आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा. इवेंचुअली यू विल गेट सक्सेस आइदर टुडे और टुमारो, बट फाइनली यू विल गेट सक्सेस. बट अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं हो रहा, डिफिकल्ट है, ये नहीं, यू विल नॉट गेट सक्सेस. सिंपल. मैंने आपको बताया अगर हमको गाजर का पेड़ चाहिए तो हमको गाजर उगानी पड़ेगी, हम मूली के साथ गाजर नहीं कर सकते. सिमिलरली सक्सेस अगर आप बोएंगे तो सक्सेस मिलेगी, फेलियर बोएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी. राइट गाइस? यस सर, यस सर. सो आर वी ऑन द ट्रैक नाउ? फुल ऑन सर, फुल ऑन सर. कैन वी हिट समथिंग बिग दिस मंथ? 100% सर, 100%. सेट अप अ टारगेट, सेट अप अ टारगेट. मी अगर आप डायरेक्टर हैं, एक टारगेट लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, 20 लोगों की कंसिस्टेंसी आपने करानी है एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर. राइट? मोर देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली. सिल्वर डायरेक्टर करिए, 40 करेंगे अब हम, करिए. राइट? मेक अ लिस्ट दैट ओके 20 कंसिस्टेंसी करानी है, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, डू इट दैट वे एंड यू विल सी द डिफरेंस. श्योर सर. पुट योर गोल्स ऑन द पेपर, पुट योर गोल्स ऑन द पेपर. 20 कंसिस्टेंसी करानी है, पेपर पे लिखो, सामने लिखो, सुबह उठते हुए देखो उसको, हिट इट, देखो कितने रह गए. आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपका सक्सेस इस पे निर्भर है, आपकी सक्सेस, आपको आगे बढ़ना है. यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स. राइट गाइस? जी सर, यस सर. एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? नहीं सर, आज तो बड़ा मजा आ गया सर. वन आवर वाज मतलब पूरा एकदम एलिवेट किया हम सबको. एंड फिर से सर कॉन्ग्रेचुलेशन डीसीडी के लिए, और जल्दी सर आप डीयूसीडी बन जाए, हम भी बताएंगे सर हमारे अपना डीयूसीडी है. सर ऑन एन एडवांस में आपके जो इतने बड़े चेक बनेंगे 10 तारीख को, ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. और थोड़ा सा वो है ना आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़ जाए, तो हमारे भी है ना लाखों लाखों में चेक बन जाए, मजा आ जाए सर. बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे सर. सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर. बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी हमारी कोर टीम. बिल्कुल करिए. और थैंक यू सर. चलो ओके जी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. So guys, this was Abhishek Dua sir with us. Hope कि आप सबको एकदम से 100% clarity आ गई है कि क्या करना है exactly हमको इस महीने. Okay? एक और बहुत important चीज अगर आप miss कर गए हो, दिमाग में डाल दीजिए कि जो first invoice हो रहा है, किसी भी नए joining का first invoice हो रहा है, अगर उसमें हम 100 PV का purchasing कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको 100 PV extra हमको जैसे double PV type वैसे मिलेगा. लेकिन हाँ, इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि 500 पीवी करेंगे तो 500 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा. नहीं, सिर्फ 100 पीवी आपको फर्स्ट जॉइनिंग के है ना आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपका फर्स्ट इनवॉइस जो है वो 100 पीवी का है. ठीक है, तो आपको अगर फास्ट स्टार्ट 8% करना है तो पहले 282 पीवी करना पड़ता था. अभी उसमें से आप है ना 100 पीवी काट दीजिए, 182 पीवी करके भी एक नया जॉइनिंग फर्स्ट स्टार्ट 8% बन सकता है. ठीक है, तो हाँ, लेकिन इसमें यह भी है कि अगर वो उस हिसाब से बनता है फास्ट एट 8%, तो 750 का जो प्रोडक्ट वाउचर है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 8% के हिसाब से उसका चेक बनेगा. राइट? तो खैर वो तो चीजें हैं. तो नए जॉइनिंग है, सबका हम 100 पीवी में ही जॉइनिंग कराएंगे, उससे नीचे नहीं कराएंगे. तो उससे आपका पीवी जो है बहुत जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा. और जैसे आप सबको पता होगा, मैं फिर भी आपको एक और बार शेयर कर दूंगा ग्रुप में जो हमने ऑफर्स रखा है हमारे टीम की तरफ से. फास्ट स्टार्ट 8% 4500 पीवी के साथ जो हिट करेगा उसको 5000 का कैश प्राइस हमारे तरफ से मिलेगा. ठीक है, और ये 4500 जो है ये डबल पीवी के हिसाब से नहीं, ये एक्चुअल पीवी के हिसाब से रहेगा, ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ. राइट? अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो लॉटरी है आज, जैसे अभी वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 2500 पीवी, मैं अभी देख रहा था, मतलब ये एक घंटे में 1000 पीवी और हो गया है हमारे पूरे टीम से. तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे कंसिस्टेंसीज हो रहे हैं. आप बिल्कुल जो लॉटरी स्कीम हमने निकाली है, लकी ड्रॉ ऑफर हमने निकाली है, उसको हाइप करिए, एक एक जने से बात करिए और सबकी कंसिस्टेंसी कराइए. और एक चैलेंज लेते हैं ना, आज के दिन ही करते हैं, लेट्स डू इट टुडे इटसेल्फ, आज ही करते हैं, खुद का भी आज करते हैं और टीम में भी आज कराते हैं, एग्जाम्पल सेट करेंगे, मजा आ जाएगा. राइट? और बाकी प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट, बेस्ट प्रेजेंटर कॉन्टेस्ट, उसके ऊपर आज शाम को अपडेट आ जाएगा आपको. ओके? एंड मैं आपको अपना पूरा शेड्यूल दे दूंगा महीने का. एंड लेट्स मेक इट बिग दिस टाइम, बड़े बड़े चेक बनाते हैं, मजा आएगा फिर. ओके? तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं फिर. राइट? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी को कोई पॉइंट्स बोलना है, कोई इनपुट देना है, और एल्स वी विल वाइंड अप द सेशन.
चलो फिर ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, लग जाते हैं सर कंसिस्टेंसी, धड़ाधड़ करते हैं आज, ओके? कोई भी जरूरत पड़ती है डू कॉल मी अप एनी टाइम, ओके? थैंक यू, विश यू वेल्थ.